दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने इस फोन की रैम चेक कराऊं कि मेरे फोन में फिलहाल कितनी रैम है, फिर मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपने फोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये मैं आज आपको पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए यहां पर मैं अगर अबाउट फोन के अंदर जाऊं तो अब आप अगर लोग यहां पर देखोगे तो यहां पर मेरे फोन की रैम 8 GB है। बट मैं आज यहां पर आपको एक ऐसा जबरदस्त और ऐसा खतरनाक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग अपने फोन की रैम को बढ़ा सकते हैं। और यहां पर अभी फिलहाल देखिए मेरे पास यहां पर मेरे फोन की रैम 8 GB है, बट मैं यहां पर आज आपको इस वीडियो के अंदर अपने फोन की रैम को 12 GB करके दिखाऊंगा। और ये सब आप अपने फोन पर भी काफी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आपको नोटिफिकेशन बेल दिखाई दे उसको आप ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं इस तरीके को वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो फोन की रैम को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर देनी है। देन इसके बाद देखिए आप थोड़ा नीचे जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए मेरा रैम एंड स्टोरेज स्पेस, ठीक है। तो आप यहां पर इसको क्लिक कीजिए। देन उसके बाद देखिए ऊपर आपको यहां पर रैम का एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। देन देखिए यहां पर मेरी रैम 8 GB है, 3.23 GB मेरी अभी यूज्ड है। बट देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा एक्सटेंडेड रैम, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। इससे आपका फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा। तो थोड़ा सा यहां पर आप इंतजार कीजिए, यहां पर हमारा फोन ऑटोमेटिक देखिए यहां से हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपका फोन भी कुछ इसी तरीके से रिस्टार्ट होगा। और यहां पर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर अब यहां पर आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यहां पर अब मेरे फोन की रैम 12 GB हो चुकी है। स्टार्टिंग मैंने आपको चेक कराया था कि मेरे फोन की रैम 8 GB थी, बट जो सेटिंग मैंने अभी आपके सामने की है उस सेटिंग की वजह से मैंने अपनी रैम को 4 GB बढ़ा लिया, यानी कि मेरे पास टोटल 8 GB रैम हो चुकी है। अब यहां पर हमारा फोन थोड़ा ही टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दोबारा फिर से अपने फोन की सेटिंग को ओपन करके अपने फोन की रैम चेक कराऊंगा कि अब मेरे फोन की रैम कितनी बढ़ चुकी है। स्टार्टिंग में आपको 8 GB चेक कराया था, बट चलिए यहां से मैं अपने फोन की सेटिंग को ओपन करूंगा। देन इसके बाद फिर वहीं पर अबाउट फोन के अंदर जाऊंगा। देन इसके बाद बूम, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मेरे फोन की रैम 8+4 यानी कि 12 GB रैम मेरे फोन की हो चुकी है। काफी आसान तरीका है, इस तरीके से आप लोग भी अपने फोन की रैम को बढ़ा सकते हैं अगर आपका फोन हैंग चलता है या आपका फोन इस तरह चलता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना।